तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो आज मैं आपको कोई टेक की बातें या फिर टेक्नोलॉजी से लेके कोई भी बातें नहीं बताने वाला हूँ। अब कोसली, आप सभी ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि हमारे देश में ऐसे नीच और ऐसे हरामी लोग पड़े हुए हैं। हाँ भाई, मुँह से गाली तो नहीं निकलती है, पर यार क्या करें, यहाँ से तो निकल जाती है। भाई ऐसे लोगों को मैं क्या बताऊँ यार, कि इन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलने वाली। एक 8 साल की बच्ची के साथ इतना गलत हुआ है भाई, इतना गलत हुआ है। और ये सब की वजह हो सिर्फ और सिर्फ आप, कि आप ना अपने घर में चुपचाप बैठे रहते हो, कुछ भी नहीं करते हो। यार मैं अब क्या बताऊं यार, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि यार ऐसी घिनौनी हरकत बस ऐसे ही लोग कर सकते हैं जिनके पास कोई बुद्धि नहीं होती, जिनके पास जिगरा नहीं होता, जिसके पास दिल नहीं होता, क्योंकि ये सब नीच होते हैं, नीच। और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की बात तो छोड़ दो यार, हटा ही दो। चलो ये सब तो खैर होता ही है कभी साले कुत्तों की वजह से, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। मैं बात कर रहा हूँ इन लोगों की, इन जैसे आदमी पता नहीं कहाँ इस पाक साफ जमीन पर साले निकम्मे और नीच पैदा हो गए, पता नहीं भाई। बस कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ और कुछ नहीं, बस इन्हें तो यार फांसी नहीं, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ जिंदा काट देना चाहिए था। एक एक चीज काटनी चाहिए थी कि ये तड़प तड़प के मरें, और कुछ नहीं। तो यार बस इतना ही कहना था। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, चलो मैं गलत बोल रहा हूँ, चलो मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो चलो इन यूट्यूबरों की। भगवा चोला पहनकर अपराध करना हमारा मौलिक अधिकार है। भारत माता की जय, जय श्री राम, हिंदुत्व अमर रहे। मैं एक प्राउड हिंदू, क्योंकि मेरे धर्म के लोगों ने एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है। मुस्लिम होने की सजा तो यही होनी चाहिए। एक हिंदूवादी देश में एक बच्ची मुसलमान कैसे हो सकती है? अगर हो भी गई तो उसे सजा देने के लिए हमारे धर्म के लोग तो तैयार बैठे। पिछले 2 दशक से कट्टरवाद कट्टरवाद चिल्लाते हुए आज हम खुद कट्टर हो चुके हैं, और मजे की बात तो ये है कि हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। एक बच्ची के बलात्कार करने वालों के सपोर्ट में पूरी भीड़ सड़क पर निकलती है, और सड़क पर निकलकर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाती है। मंदिर में हो रही आरती के साथ साथ जब उस बच्ची की चीखें गूंज रही होंगी, भगवान राम तो बेहद खुश हुए होंगे। बच्ची को मारकर उसकी लाश के साथ रेप करना ही तो असल हिंदुत्व है ना? अगर ये है तुम्हारा हिंदुत्व तो ये गटर से भी गंदा है। अफसोस, ध्यान से सुनना, अफसोस है कि भारत में रेप पहली बार नहीं है, और हम तो ऐसे खबरों के आदि हो ही चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि रेप को धर्म के नाम पर जस्टिफाई किया जा रहा है। शर्म, शर्म आ रही है? अगर अब भी नहीं आ रही है, आ रही है तो आवाज उठाओ आसिफा के लिए, क्योंकि एक हिंदू या मुसलमान होने से पहले तुम एक इंसान हो। और हाँ, वो लोग जो इस वीडियो को देखने के बाद ये बातें करने वाले हैं कि उस दिन कहाँ थे जब फलाना हुआ था और ढिमकाना हुआ था, तो सुनो तुम लोग, उस दिन जो कुछ भी हुआ या नहीं हुआ उसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो यार अभी क्या ये भी गलत बोल रहे हैं? अब ये भी गलत हो गए ना, ये तो गलत भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कि इसकी वजह आप हो यार। आप लाइक करो डिसलाइक करो, इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करो। बस आपसे निवेदन है कि इस बच्ची के लिए और हमारे लिए इतना ही कर दो कि इस वीडियो को ना सिर्फ और सिर्फ अपने व्हाट्सएप और फेसबुक में शेयर कर दो, ताकि जो ऐसे नीच लोग और पड़े हैं ना हमारे देश में, वो सुधर जाए, कम से कम उनके लिए सुधर जाए। और तुम यार लाइक करो डिसलाइक करो सब्सक्राइब करो अनसब्सक्राइब करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यार इतना कर दो कि बस इसे शेयर कर दो, बात मत करो यार। अब तो कुछ दिल से और मुंह से निकलता ही नहीं कि ऐसे नापाक लोग पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे गंदे लोग पड़े हुए हैं कि मैं क्या बताऊं यार। तो बस भाई इतना ही बताना था। तो मिलते हैं यार अब कोई अपने नेक्स्ट वीडियो में टेक के। तो टेक केयर, ध्यान रखना अपना, और बस उन्हीं सबसे एक ही गुजारिश है कि भाई से इतना शेयर कर दो कि वो नीच के पास पहुंच जाए, और इन्हें फांसी नहीं, इन्हें तो यार मौत की सजा भी, क्या बताऊं, इसे नर्क भी नहीं नसीब होगा, नर्क भी नहीं नसीब होगा। और यार अगर आप सबके पास ना ट्विटर है फेसबुक है, सब पे यार सब पे शेयर करो ना, काहे घर में बैठे हुए हो, कुछ तो कर लो, कभी तो ज़िंदगी में अच्छा कर लो यार।